हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का ऑल राउंड नॉलेज में स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर। तो आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल शुरू से अंत तक देखिए, और यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द जियोग्राफिकल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ राइस। राइस के ग्रोथ के लिए कौन सा जियोग्राफिकल कंडीशंस जरूरी होता है, और डिस्कस द क्लाइमेटिक सुटेबिलिटी फॉर राइस कल्टिवेशन। राइस की कल्टिवेशन के लिए कौन सी जलवायु अच्छी होती है, क्लाइमेटिक सुटेबिलिटी क्या है। जियोग्राफिकल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ राइस आर टेम्परेचर, तो तापमान कितना होना चाहिए, टेम्परेचर। राइस इज अ खरीफ क्रॉप, राइस कैसी फसल है, तो खरीफ है, यानी खरीफ क्रॉप है। और एक रबी क्रॉप भी होता है, वो गेहूं होता है, दाल वगैरह होता है। और खरीफ क्रॉप की एक खास बात यह है कि इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, इसमें जो है हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है, और ह्यूमिडिटी, द टेम्परेचर अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस और एबव इज सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। और राइस के ग्रोथ के लिए, राइस के प्लांट के ग्रोथ के लिए कितनी डिग्री सेल्सियस तापमान टेम्परेचर चाहिए, 25 डिग्री और एबव या इससे ज़्यादा। अब रेनफॉल, बारिश, वर्षा, ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। राइस नीड्स हैवी रेनफॉल, राइस की खेती के लिए जो हैवी रेनफॉल की ज़रूरत होती है, मोर देन 100 सेंटीमीटर कम से कम बारिश होनी चाहिए। इट कैन बी ग्रोन इन एरियाज विथ लेस रेनफॉल इफ द इरीगेशन सिस्टम इज गुड, यदि इरीगेशन सिस्टम अच्छा है तो जहाँ पर बारिश कम होती है वहाँ पर भी इसकी खेती हो सकती है, लेकिन सिंचाई व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। पंजाब एंड हरियाणा आर द स्टेट्स वेयर राइस इज ग्रोन विद द हेल्प ऑफ इरीगेशन, और हरियाणा और पंजाब में जो है राइस की खेती होती है, और वहाँ पर जो है इरीगेशन सिस्टम अच्छा है, हम लोग सभी जानते हैं। तो इरीगेशन सिस्टम अच्छा होने की वजह से जो है वहाँ राइस की भी खेती बहुत ही अच्छी होती है और बड़ी मात्रा में होती है। सॉइल, राइस कैन ग्रो इन वैरायटी ऑफ सॉइल्स इंक्लूडिंग सिल्ट। सिल्ट क्या होता है, जैसे रनिंग वाटर द्वारा लाया गया जो मिट्टी होता है, जो जमा हो जाता है, उसे सिल्ट कहते हैं। लोम, यानी इसमें जो है सैंड और सिल्ट ये सभी मिलकर होता है, तो उसे लोम कहते हैं। एंड ग्रेवल्स, ग्रेवल्स मतलब थोड़ा सा कंकड़ पत्थर कुछ उसमें रहता है, तो ग्रेवल्स कहलाता है। बट इट इज़ ग्राउंड बेस्ड इन एलुवियल सॉइल, लेकिन सबसे अच्छा ये जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल में सबसे अच्छी खेती होती है राइस की। फाइव मेजर स्टेट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर वेयर राइस इज ग्रोन, तो जहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा मतलब राइस उपजाया जाता है, तो ये चेंज भी हो सकता है, घटता बढ़ता रहता है, लेकिन मुख्य रूप से वेस्ट बंगाल सबसे ऊपर है, फिर आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा, और आपस में ही बहुत कंपटीशन है, तो ऊपर नीचे ये लिस्ट आ सकता है, तो एक बार आप भी चेक कर लें, बस ऐसे मैंने नाम दे दिया है, लेकिन वेस्ट बंगाल जरूर टॉप पर है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इससे जुड़ा हुआ कुछ अलग सवाल भी आ सकता है, और द डिफरेंसेस बिटवीन रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स ये भी आ सकता है, तो ये भी मैं ज़रूर बताऊँगा, आप लोग इंतज़ार कीजिए। ऑल राइट स्टूडेंट्स, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।